आवाज आ रही है जी। आज डॉक्टर आफिया का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ऑनरेबल रईस साहब सरदार साहब ने सुना है केस को, तो आपको पता है ये कई सालों से मैटर पेंडिंग है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेटी वापस आ जाए किसी सूरत पर। उससे कोई क्राइम नहीं किया है, अमेरिकन अथॉरिटी उठा के ले गई उसे। हम कोशिश कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए। हर चैनल हम ऑपरेट कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि कोर्ट्स हमारी हेल्प करें। फॉरेन ऑफिस सो फार बड़ा क्वाइट है इस मामले में। हम चाह रहे हैं कि एक्टिविटी ज़्यादा करें फॉरेन ऑफिस। गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट है कि वो गुड ऑफिस को यूज़ करें। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब एडवाइस भेजे प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट बाइडन से बात कर लें उसके रिलीज़ के लिए। ऑप्शंस अवेलेबल है जी। हम कोशिश ये करें कि उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है और जो उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग, वो बंद हुए। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन करनी, चाहे पाकिस्तान में चाहे अब्रॉड। तो हम इसी जिहाद है हमारे लिए कि उस बच्ची को, और भी प्रिजनर्स हैं दुनिया में जो बेचारे बड़े अनसर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें बड़े टॉर्चरस हैं, उन्हें भी कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डेट है जी 2 हफ्ते के बाद, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आज अदालत में ये हुआ जी कि डॉक्टर आफिया फॉरेन ऑफिस को डायरेक्शन दिए कि डॉक्टर आफिया फ़ोन करें, अपनी फैमिली के साथ रब्ता करें, तो इंश्योर कि वो सब सेफ है। 2 हफ्ते की डेट दी ऑनरेबल जज साहब। शुक्रिया।